इस बीच राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने बड़ा बयान दिया। शैलजा के बहाने हुड्डा बाप बेटे पर जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि महिला होने के नाते शैलजा के खिलाफ हुई टिप्पणियों से मुझे शर्म आई। बापू बेटे ने हर कद्दावर नेता का काम तमाम किया है। इन्होंने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था, लेकिन मैं तो मुंह तोड़ जवाब देती थी। ये दलित और महिला विरोधी है, इनका बहिष्कार होना चाहिए। शैलजा को मनाकर बीजेपी में लाने के सवाल पर किरण चौधरी ने कहा कि चर्चाएं और प्रयास चलते रहते हैं, सारी बात सार्वजनिक नहीं करते। पार्टी भले ही अलग हो, पर मेरे और शैलजा के बहुत अच्छे संबंध हैं। बापू बेटा ने टिकट बंटवारे में अपनों से ही वादा खिलाफी की, ये तो सिर्फ सत्ता हथियाना चाहते हैं। बापू बेटा की जो पार्टी है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। टिकट बंटवारों के अंदर आपने देखा किस तरह से जिनको वायदे करे गए थे वो वायदा खिलाफी करी गई। इनके आपस के अंदर जूतम जूत हो रहे हैं, बुरा हाल इनके हो रहे हैं। सारी जगह जो है इंडिपेंडेंट्स इनके खड़े हो गए हैं वो इनकी वोट काट रहे हैं। फिर आम आदमी का अलग से सिस्टम जो है ये नहीं बिठा पाए। पहले तो कहा कि हम समझौते में चलेंगे, फिर बाद में उनको भी नकार दिया कि काम तो अगर हुआ है तो ये बीजेपी नहीं करा है। चाहे सड़कों का काम हो, चाहे नौकरियों के काम हो, बिना खर्ची पर्ची के जो है इतने जो हैं लाखों लाखों की जो नौकरियाँ जो हैं लगी हैं। और मुझे तो हैरानगी होती है इनके MLA साहिबान को सुनकर, जिस तरह से वो कह रहे हैं, खुलेआम ये बात कह रहे हैं कि भाई इस बारी जिता दो हमारे को, हम ये खर्ची पर्ची खत्म कर देंगे, हम अपने आदमियों की खाली कितने वो देंगे, लिस्टें देंगे और उससे जो है वो लोग लगेंगे। तो इसका मतलब भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फिर दोबारा आएगा। कितने सारे जो MLA हैं वो ये इस तरह की बातें, कोई MLA कोई प्रत्याशी हैं जो एक्स्ट्रा हुए हैं, वो ये सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें चल रही हैं उनके बारे में मैंने सुनी, क्योंकि वो अपने आप में कद्वार नेता हैं। और कांग्रेस के अंदर तो ये रीत है कि ये बाबू बेटा ने जो फैला रखी है कि कोई भी कद्वार आदमी जो सामने इनको दिखता है उसका जो है उसका काम तमाम करने पे लगते हैं। यही इन्होंने मेरे साथ करा था, मेरे साथ तो चल नहीं पाया क्योंकि मैं तो इनको मुँह तोड़ जवाब देती थी। लेकिन अब शैलजा जी के साथ जिस तरह से जो है जो ओछी अभद्र टिप्पणियां करी गई हैं, इससे तो शर्म से सिर झुक जाता है नीचे। और ये स्पष्ट दर्शाता है कि ये दलित विरोधी हैं, दलित विरोधी नहीं महिला विरोधी हैं, और इनका तो बहिष्कार सारों को करना चाहिए।